रीवा जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत कैलाशपुर निवासी महिला की हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग ने महिला की धारदार हथियार से हत्या कर घर में रखे महिला के जेवर लेकर मौके से फरार हो गया। मामले में पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या जिस मकान में हुई है उससे लगे कई और मकान भी निर्मित है। इसके बावजूद भी महिला के साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई और किसी को भनक तक नहीं लगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। एक फरवरी के दिन हनुमाना थाने में कैलाशपुर एक गांव, वहां से सूचना आई कि एक महिला की हत्या कर दी गई है। तो जिसके संबंध में सबसे पहले तो वहां पे अपराध 302 धारा का पंजीबद्ध किया गया। फिर इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी साहब ने टीम बनाई। उस टीम ने अलग अलग पहलुओं से काम किया, काम करके इसमें साक्ष्य संकलित किए।